मुझे कुछ डिजाइनिंग वगैरह तुमने नहीं करा है अभी कुछ, तो इतना मैंने बेसिक जो है HTML का कोड लिख रखा है पहले से। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे एक लेबल बना हुआ है एंटर पासवर्ड का, फिर यहाँ पे एक इनपुट टैग बना हुआ है पासवर्ड का, इनपुट टाइप राइट ये वाला है, और यहाँ एक डिव है और डिव के अंदर तीन पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ है अपर कैस का, दूसरा है लोअर कैस का, तीसरा नंबर का है, और यहाँ स्क्रिप्ट टैग ओपन किया है, क्लोज किया है मैंने। तो इतना तो क्लियर है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए शायद, क्या कहते हैं आप? तो यहाँ से मैं JS का जो है कोड स्टार्ट कर देता हूँ। तो प्रोग्राम को मैंने जब रन करा तो ये देखिए ऐसा यहाँ पे आया इनपुट बॉक्स, और यहाँ पे जो है कुछ आ रहे हैं, इंटर वन अपर कैस, इंटर वन लोअर कैस, इंटर वन नंबर राइट। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे कलर इसका रेड करूँगा, तो रेड कलर करने के लिए क्या किया जाएगा, स्टाइल टैग में लगाऊंगा और COLOR कलर में कर दूंगा रेड। तो ये देखिए पूरा अब ये रेड कलर में हो जाएगा, देखिए रेड कलर आ गया। तो मैं क्या चाह रहा हूँ ना कि जैसे ही रीलोड हो राइट, तो ये जो वार्निंग दिखाई दे रहा है रेड कलर में, ये दिखाई ना दे हमें। हमारा जब फोकस जाए इस इनपुट टैग में पासवर्ड वाले में, तब ये अपने आप दिखाना शुरू हो जाए। ये पहले से हाइड रहेगा, मतलब छुपा रहेगा, इसमें हमारा फोकस जाएगा तब जो है ये दिखना शुरू हो जाना चाहिए। और जैसे ही मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर टाइप करूँगा राइट, जैसे मैं यहाँ पे कैपिटल टाइप कर दिया, तो अपर कैस वाला जो है अपने आप हाइड हो जाना चाहिए, क्योंकि टाइप कर दिया ना मैं अपर कैस में, फिर लोअर कैरेक्टर में पासवर्ड टाइप किया तो ये लोअर वाला हाइड हो जाना चाहिए। एक आध अगर नंबर यहाँ पे कोई मैं टाइप कर देता हूँ तो ये नंबर वाला भी हाइड हो जाना चाहिए, या फिर जैसे मान लीजिए पूरा हाइड हो गया, और फिर से मैं क्या किया इसको जो है बैक कर दिया, मतलब डिलीट कर दिया, तो ये फिर से दिखाई देने लगना चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? मतलब यहाँ पे अपर कैस में टाइप हो जाएगा तो अपर कैस वाला गायब हो जाएगा, लोअर कैस में भी पासवर्ड टाइप होगा तो लोअर कैस गायब हो जाएगा। तो हमें यही करना है अभी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको मैं हाइड करूँगा, छुपा दूंगा। कैसे छुपाऊंगा? तो छुपाना जो है बिल्कुल आसान है, छुपाया जाता है CSS के थ्रू, स्टाइल के थ्रू ही। तो कैसे? CSS में एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले कर दूंगा, इसको मैं NONE नन कर दूंगा राइट। जब मैं इसको कर दूंगा नन, तब ये हाइड हो जाएगा, देखिए हाइड हो गया। और इसी को मैं क्या करूंगा, ब्लॉक कर दूंगा राइट। तो ब्लॉक में कर दूंगा तो ये दिखाई देने लगेगा राइट। इतना तो क्लियर ही है, इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं। तो मैं बाय डिफॉल्ट इसको क्या करूंगा, छुपा के रखूंगा, और जैसे ही पासवर्ड में फोकस जाएगा तो मैं क्या करूंगा, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू थ्रू इसको शो कर दूंगा, मतलब स्टाइल जो है वो डिस्प्ले ब्लॉक कर दूंगा। तो ये मेरा ड्यू टैग है। तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि इस इनपुट टैग मतलब पासवर्ड में फोकस होने पे कॉल होगा वो फंक्शन। तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा पहले, सबसे पहले पास हिंट के नाम से, क्योंकि ये जो है ना ये पासवर्ड का हिंट ही तो है कि अपर कैस में टाइप करना है, लोअर कैस में टाइप करना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, ID मैंने कर दिया, और इस पासवर्ड हिंट को मैं क्या करूँगा, स्टोर कर लिया यहाँ पे। अब इसको स्टोर करने के बाद क्या हुआ कि इस पासवर्ड हिंट को मैंने स्टोर करा ये वाले ड्यू को, तो इस ड्यू के अंदर तो टोटल आ ही गया ना, टोटल आ गया इस पासवर्ड हिंट के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बना लूँगा, फंक्शन SHINT, सो हिंट। और फिर मैंने क्या किया यहाँ पे, अब मैं स्टाइल अप्लाई करूँगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा था,
सीएसएस से डिस्प्ले को ब्लॉक कर रहा था और डिस्प्ले को नन कर रहा था, तभी तो हाइड और सोक हो रहा था ना। तो मैं इसको डिव को तो मैंने सेलेक्ट कर ही लिया है यहाँ, तो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट के थ्रू मैंने क्या करूँगा, मैं स्टाइल का डिस्प्ले को ब्लॉक कर दूंगा। तो यहाँ पे पासवर्ड हिंट किया डॉट स्टाइल, फिर डॉट डिस्प्ले कर दिया। अब डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक कर दिया। जैसे ही ये डिस्प्ले ब्लॉक होगा सो होने लगेगा, लेकिन इस मेथड को कॉल तो करना पड़ेगा। तो कॉल कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं आऊँगा और ऑन फोकस इवेंट होता है एक। ऑन फोकस इवेंट कब काम करता है, जब भी हमारा कंट्रोल इस पे जब भी हमारा माउस इस पे फोकस करेगा पासवर्ड वाले पे। तो मैं यहाँ पे हटा दिया, बाय डिफॉल्ट ये जो है हाइड हो गया। अब इस पे मैं ले जाके क्लिक किया तो ये देखिए अपने आप यहाँ पे शो हो गया। अब अभी मैं कुछ टाइप करूँगा तो ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं दिखाई दे इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए टेक्स्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अपर कैश टाइप कर रहा हूँ लोअर कैश टाइप कर रहा हूँ ये मेरे को पता चलेगा, आपको तो नहीं पता चलेगा। तो इसलिए मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप करूँगा, ये देखिए आ रहा है। फिर से मैं रिलोड करूँगा तो ये गायब हो जाएगा, फोकस करूँगा तो ये शो होने लगेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। तो अब मैं क्या करूँगा, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अब हम यहाँ पे मैं टाइप करूँ और ये हाइड और शो होना शुरू हो जाए, तो कौन सा इवेंट यहाँ पे मैं लगाऊंगा, की अप लगा सकता हूँ, की डाउन लगा सकता हूँ, या ऑन इनपुट भी लगा सकता हूँ। तो ऑन इनपुट कीवर्ड जो है बेहतर रहे सॉरी ऑन इनपुट इवेंट जो है वो अच्छा रहेगा लगाना। जैसे हम यहाँ टाइप करेंगे तो होगा ऑन इनपुट इवेंट, तो मैं ऑन इनपुट इवेंट पे चेक करूँगा कि इस टेक्स्ट बॉक्स में जो टाइप किया गया है वो अपर केस है लोअर केस है या नंबर है। अगर अपर केस है तो अपर केस को हाइड करो, लोअर केस टाइप हो चुका तो लोअर केस को हाइड करो, यही है इसमें। तो आ जाऊंगा मैं नीचे और यहाँ पे एक और फंक्शन बनाऊंगा मैं, फंक्शन पास वैलिड के नाम से मैंने फंक्शन बना लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल बनाता हूँ, पहले एक पैराग्राफ ये है, एक पैराग्राफ ये है, एक ये नंबर वाला है। तो मैं इन सभी पैराग्राफ को स्टोर करूँगा, राइट, इस सभी पैराग्राफ को मैं वेरिएबल में स्टोर करूँगा। अपर कैस इक्वल टू क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और अपर केस को क्या किया स्टोर कर लिया यहाँ पे। अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा 3 बार, और लोअर केस में लोअर केस डाला, यहाँ पे लोअर केस कर दिया। मैं टाइम बचाने के कारण जो है कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, अगर लगे ऐसा कि कुछ मैं जो है कुछ चीज़ें जो समझ में नहीं आया तो आप बेशक जो है पूछिएगा। ये तो मैंने वेरिएबल में स्टोर कर लिया, परंतु मुझे इस इनपुट एलिमेंट को भी तो स्टोर करना पड़ेगा, मतलब इस इनपुट टैग का जो वैल्यू टाइप होगा वैल्यू को भी तो हमें स्टोर करना ही पड़ेगा ना। तो ऊपर में मैं आऊँगा और वैल्यू को भी स्टोर करूँगा। तो लिख दिया मैं पासवर्ड इक्वल टू गेट एलिमेंट बाई आईडी। इस पासवर्ड बॉक्स का आईडी क्या है, तो पास है, यहाँ पे मैं कर दिया पास। अब सिर्फ इतना मैं कोड लिखा हूँ, राइट, तो इतने कोड से पासवर्ड के अंदर पूरा टैग चला जाएगा, लेकिन मुझे पूरे टैग का तो अभी ज़रूरत नहीं है, मुझे क्या चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए ना। तो इसलिए मैं क्या करूँगा डॉट वैल्यू लिख दूंगा, ऐसे हो गया डॉट वैल्यू, करेक्ट। यहाँ तक तो क्लियर ही होगा। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा एक छोटा सा मैं उदाहरण लेता हूँ। वो छोटा सा उदाहरण ये है कि मैं एक वेरिएबल बनाया पी नाम से, और इसमें मैं डाल देता हूँ ए सी एम ए एन टी। आप मान लीजिए थोड़े देर के लिए कि ये क्या है, पासवर्ड, यही पासवर्ड है,
इस इनपुट टैग जो ऊपर था, इस इनपुट पासवर्ड बॉक्स में जो भी टाइप हुआ है वो यही है। टाइप तो होगा तो यहाँ आएगा, लेकिन मैं थोड़े देर के लिए बोलता हूँ कि इसी को मान लीजिए यही है, क्योंकि मुझे कुछ कॉन्सेप्ट समझाने हैं अभी। तो मैं यहाँ पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें चेक करना है कि अपर केस है या नहीं, लोअर केस है या नहीं, नंबर है या नहीं। तो कैसे करूँगा, इफ का कंडीशन लगाऊंगा पहले, फिर पी किस तरह का डेटा टाइप है, तो आप सीधा बता दें कि ये स्ट्रिंग टाइप का है क्योंकि इसमें स्ट्रिंग रखा हूँ। तो पी डॉट स्ट्रिंग का एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में, match, मैच, राइट। इसका पिछला चैप्टर में मैंने मैच वगैरह जो है स्ट्रिंग को बताया हुआ था। तो मैच फंक्शन में क्या होता है, इसमें हम कोई वैल्यू डालते हैं जो इसमें मैच करता है तो ये रिटर्न कर देता है ऑब्जेक्ट वगैरह, नहीं मैच करता तो नल रिटर्न करता है। मैंने SEM पास करा और यहाँ पे लिख दिया कंसोल डॉट लॉग match, राइट। और फिर यहाँ पे एल्स में आया और इसी को कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूँगा नीचे। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं नोट मैच, इसी को मैं चलाता हूँ पहले। तो कॉपी फाइल पाथ किया, इस पासवर्ड मेथड को मैं कहीं कॉल नहीं किया हूँ तो इसीलिए ये आउटपुट नहीं आएगा, तो मैं कॉल कर लूँगा कंसोल में ही। इंस्पेक्ट एलिमेंट किया और यहाँ पे मैंने, सॉरी मैंने क्या कर दिया, पास मैं यहाँ पे आता हूँ और इस मेथड को ना कॉपी करता हूँ। तो आप जानते हैं कि जावा स्क्रिप्ट का कोड यहाँ भी लिख करके कंसोल में हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ या एंटर कर दिया तो ये बोल रहा है मैच। ये मैच क्यों बोल रहा है, ये इसलिए बोल रहा है कि SEM इसमें मैच हो गया। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं XYZ, मैंने लिखा XYZ जो कि इसमें नहीं है, तब क्या प्रिंट होगा, नॉट मैच। और फिर मैं यहाँ पे कंसोल पे आऊँगा, एंटर मारा तो बोल दिया नॉट मैच। तो ये इसी तरह से काम करता है। अब सवाल आ रहा होगा आपके मन में कि इस तरह से तो स्ट्रिंग को मैच कर रहे हैं, लेकिन इसमें अपर कैस है कि लोअर कैस है, ये कैसे पता लगाएंगे। तो इसके लिए हम यूज करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसमें कुछ खास तरह का पैटर्न पास करेंगे हम, और उस पैटर्न से पता लगा लिया जाएगा कि अपर कैस है कि लोअर कैस है। तो पैटर्न लिखा कैसे जाता है, मैं यहाँ पे जो है लिख देता हूँ पैटर्न। पैटर्न लिखने का सिंटेक्स क्या है, तरीका क्या है, पहले दो ठो स्लैश दे दीजिए, दो ठो स्लैश दिया, अब इसी के अंदर पैटर्न में लिख दूंगा। तो मैं पैटर्न में स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा, राइट। ये हमारा सिंटेक्स हो गया। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं पैटर्न लिखना शुरू करूंगा, तो मैं क्या पैटर्न पहले लिखूंगा, ए हाइफन जेड, ठीक। ए हाइफन जेड ए पैटर्न हो गया। इसका मतलब ये है कि इस स्ट्रिंग में स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक अगर कोई भी कैरेक्टर मैच करता है तो क्या करो, मैच प्रिंट कर दो, अन्यथा नॉट मैच प्रिंट कर दो। मैं प्रोग्राम को सेव करता हूँ और चलाता हूँ। ये देखिए मैच आ गया, लेकिन यही मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कैपिटल जेड कर दूंगा और कैपिटल ए कर दूंगा, कैपिटल कैपिटल ए से जेड तक। तो इसमें कैपिटल ए से जेड में से कोई कैरेक्टर यूज नहीं किया गया है, तो क्या बोल देगा, नॉट मैच। मैं रन करता हूँ प्रोग्राम, नॉट मैच आ गया। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या इस्तेमाल करूँगा। मान लीजिए एस को मैं कर दिया कैपिटल, अब क्या हुआ, कैपिटल ए से लेकर के जेड तक में से एक कैरेक्टर कैपिटल एस है जो यहाँ यूज कर लिया, तो अब आ जाएगा मैच, राइट।
अब मैं ऑल टैब दबाया, अब यहाँ पे मैं आऊँगा, मैच आ गया। देखिए तो ये इसी तरह से काम कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, बहुत आसान सा लॉजिक में है कि एक बार मैं चेक कर लूँगा कैपिटल स्मॉल ए से जेड के लिए, एक बार मैं चेक कर लूँगा कैपिटल ए से जेड के लिए। अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने सीधा यहीं लिख दिया, आप अगर चाहते हैं तो यहाँ से कट करिए और यहाँ पे लेट करिए और फिर कर दिए अपर कैस अंडर स्कोर पैटर्न। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, मैं चला के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आऊँगा ऐसे और कर दिया मैं रन, और अब यहाँ पे मैं मेथड को कर दिया कॉल, तो ये देखिए मैच आ गया, कोई अंतर नहीं हुआ। तो इसी तरह से जो है हम काम करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, अब रियल इम्प्लीमेंट करते हैं इसको, उदाहरण तो हमने देख लिया। तो इसको यहाँ से मैं कट करके टॉप में पेस्ट कर लेता हूँ ऐसे, फिर पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया, एक पैटर्न है अपर कैस का। अब मैं करूँगा लोअर कैस के लिए और इसको कर लूँगा मैं NUMBER नंबर के लिए, राइट। ये अपर कैस के लिए है। लोअर कैस के लिए मैं क्या करूँगा, स्मॉल ए से जेड लिख दूंगा। और नंबर के लिए मैं क्या लिखूँगा, नंबर में कोई भी नंबर यूज करेगा तो 0 से लेकर के 9 तक नंबर यूज करेगा, तो ये नंबर के लिए मैंने बना दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं दिक्कत? चलिए इस पी में तो कुछ कहना चाह रहे हैं आप? चलिए अब पी में तो मैंने उदाहरण के लिए स्ट्रिंग लिया था, पी में तो हमारा पासवर्ड आएगा नहीं। पासवर्ड कहाँ पे आएगा हमारा, पासवर्ड आएगा हमारा इस पासवर्ड वाले में। तो सेम मैं क्या करूँगा, इस मैच के जगह पे लिख दूंगा पासवर्ड, सॉरी इस पासवर्ड को मैंने कॉपी किया और पासवर्ड यहाँ पे लिखा। अब पैटर्न में क्या लिखा हुआ है, अपर कैस पैटर्न। पासवर्ड अगर मैच करता है अपर कैस पैटर्न तो क्या करो, अपर कैस पैटर्न को हाइड कर दो, राइट। तो ये है अपर कैस, यहाँ पे मैं आया अपर कैस डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन कर दो, NENE नन। अब इफ के अंदर कब आएगा कंट्रोल हमारा, जब अपर कैस हमारे पासवर्ड में होगा तब, लेकिन अगर नहीं होगा तब कहाँ जाएगा, तब कंट्रोल जाएगा यहाँ पे एल्स वाले में। तो एल्स में मैं क्या कर दूंगा, डिस्प्ले कर दूंगा ब्लॉक BLOCK इस तरह से। पासवर्ड में मैच करता है अपर कैस, वो हो सकता है, लेकिन मैंने लॉजिक क्या लिखा है कि अगर मैच हो जाता है अपर कैस तब अपर कैस का वार्निंग हम काहे के लिए देंगे, अपर कैस को छुपा लेंगे कि जी आपने राइट कर दिया अपर कैस। और अपर कैस नहीं है तब हम क्या करेंगे, दिखाएंगे अपर कैस के वार्निंग को। अपर कैस मतलब वार्निंग हम दे रहे हैं, एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं कि आपने अपर कैस टाइप नहीं किया है, टाइप नहीं किया रहेगा तो मैच नहीं होगा, और जब मैच नहीं होगा तो हम बोल देंगे जी अपर कैस आप टाइप नहीं किए हैं, दिखा दूंगा मैं, क्लियर? कंफ्यूजन तो नहीं है ना, है? चलिए अब मैं क्या करूंगा कि ये फंक्शन को मैं कंसोल से कॉल करता था, कंसोल से हमको नहीं कॉल करना है, तब कहाँ से करना है, हमको कॉल करना है इसके ऑन इनपुट पे, कि जैसे जैसे हम टाइप करें ये फंक्शन कॉल होता रहे, जितने बार जितना लेटर टाइप करें उतना बार कॉल हो। कैसे करेंगे, सॉरी मैंने ऐसे करा, ऑन इनपुट किया और पेस्ट कर दिया पासवर्ड को, राइट, मैंने कॉल कर दिया, सेव कर दिया। अब देखते हैं हमारा काम करता है कि नहीं, लॉजिक क्लिक किया, सो हो गया। अब अपर कैस को आप देखिएगा, मैं स्मॉल टाइप किया कुछ नहीं हुआ, एक सॉरी कैपिटल इस हाँ सॉरी स्मॉल ही टाइप किया हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अपर टाइप किया ये देखिए हाइड हो गया अपर वाला ना, गायब किया तो अपर कैस शो हो रहा है, टाइप किया अपर कैस तो गायब हो गया,
आ रहा है, ये देखिए टी को मैं अपर करूंगा तो अपर वाला गायब हो गया, क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह से जो है हम गायब करेंगे। अब इसी को मैं क्या करूंगा ना, कॉपी पेस्ट कर दूंगा, कॉपी पेस्ट कर दूं या टाइप ही कर दूं, क्या कहते हैं आप? क्योंकि कॉपी पेस्ट करना नहीं चाहिए जो है शुरू में, तो टाइप कर दूं, कॉपी पेस्ट कर दूं? चलिए जब आपका आदेश है तो हम कर देंगे कॉपी पेस्ट। तो अपर कैस के लिए तो हमने यहाँ पे मैच कर लिया, अब क्या मैच करना है, पासवर्ड लोअर कैस है कि नहीं, तो लोअर कैस वाले को मैं कॉपी करूंगा। और ये मैंने क्या करा है, पैराग्राफ कॉपी किया है, तो पैराग्राफ में पेस्ट करूंगा। सॉरी, ये मैंने लोअर केस मेरे को करना था, लोअर केस को कॉपी किया और पैराग्राफ में पेस्ट कर दिया, नीचे वाले पैराग्राफ में भी पेस्ट किया, और फिर लोअर केस पैटर्न को कॉपी किया और इस पैटर्न वाले में पेस्ट कर दिया। क्या मतलब हुआ, पासवर्ड मैच करता है लोअर पैटर्न में, तो क्या करो, लोअर को हाइड कर दो, लोअर वाले वार्निंग को, अन्यथा मैच नहीं करता तो डिस्प्ले कर दो। इसको मैं फिर से जो है रन करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आ गया, 1 2 टाइप कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही ई टाइप किया, ई को तो लेगा नहीं, आर टाइप किया कुछ नहीं हुआ, टी टाइप करता हूँ कुछ नहीं हुआ, एस टाइप किया तो हो गया, ये क्यों नहीं हो रहा है, चेक करते हैं क्या समस्या है। सॉरी, यहाँ पे ए ही लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, जेड मैंने कर देता हूँ, गलती कर दिया था जो है मैं, अब जो है प्रॉपर काम करेगा, क्लिक किया, एस टाइप किया तो अपर वाला गायब हो गया, लोअर वाला आ रहा है, ई टाइप किया, ई टाइप किया तो लोअर वाला भी गायब हो गया, ठीक, तो प्रॉपर काम कर रहा है हमारा, ये देखिए काम कर रहा है ना। चलिए नंबर के लिए भी हम इसी तरह से लिख देंगे, ये देखिए नंबर का पैटर्न ये है, तो मैं पैटर्न को पहले कॉपी कर देता हूँ, अब नंबर का ये पैराग्राफ है तो इसको कॉपी करूंगा और नंबर वाला पैराग्राफ में पेस्ट किया, नंबर वाला पैराग्राफ में, अब क्या होगा, नंबर भी सो हाइड होगा। चलिए देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे आया, एस टाइप किया, एम टाइप किया, ये देखिए ऊपर नंबर वाला शो करा है, नंबर टाइप किया, नंबर भी गायब हो गया, तो इस ये देखिए जैसे ही हटाया तो ये शो होने लगा, जैसे ही टाइप करना शुरू करूंगा ऐसे ऐसे तो ये हाइड हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है हम पासवर्ड वैलिडेशन कुछ करेंगे, तो इसमें अब किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, और दिक्कत नहीं है तब तो अच्छी बात है। तो इसमें कुछ समस्या, चलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे मैंने इफ एल्स का इस्तेमाल किया है, कंडीशनल स्टेटमेंट, तो इफ एल्स से तो बनाया मैंने इसलिए ताकि समझ में जो है आ जाए, लेकिन इफ एल्स जो है वो थोड़ा स्लो काम करता है टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर की अपेक्षा, तो हम इसको कंडीशनल ऑपरेटर से भी बना सकते हैं, वो थोड़ा फास्ट एग्जीक्यूशन होगा, राइट? लेकिन मैंने टर्नरी ऑपरेटर बताया नहीं है अभी, तो मैं एक झलक दिखाता हूँ टर्नरी ऑपरेटर का कैसे होगा। मैं इस वाले कोड को पूरी तरह से कमेंट कर दिया, कॉपी करता हूँ इतने को, पेस्ट किया, क्या बोल रहा है, पासवर्ड मैच करता है अपर कैसे, राइट? अगर हाँ तब क्या करो, क्वेश्चन मार्क देंगे, फिर क्या कर देंगे, अपर कैस को क्या कर देंगे, नन, राइट? अन्यथा एल्स कैसे लिखा जाएगा, कॉलन देंगे, फिर आ जाएंगे यहाँ और फिर क्या करेंगे, अपर कैस को यहाँ पे कर देंगे ब्लॉक, ये देखिए। तो क्या मतलब हुआ इसका, अगर हाँ यहाँ पे आएगा ट्रू फॉल्स, अगर हाँ है यहाँ पे तो क्या कर दो, अपर कैस को कर दो हाइड,
अन्यथा मतलब एल्स वाला ब्लॉक कॉलन से हम लिखते हैं, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ब्लॉक चला के मैं देखता हूँ। यहाँ पे मैं आया, अपर केस टाइप किया, गायब हो गया अपर केस। तो ये टर्नरी ऑपरेटर है, ये फास्ट काम करता है क्योंकि इसमें एक लाइन का इंस्ट्रक्शंस है, तो ये सीपीयू में जल्दी एग्जीक्यूट करता है। इसमें मल्टीपल लाइन हो जाता है तो जल्दी एग्जीक्यूट नहीं करता है, यही है। एक बार मैं ये और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लीजिए टी आर यू ई आ गया, ट्रू है, तो क्या होगा, ये लीजिए कंसोल डॉट लॉग टी आर यू ई ट्रू, और एल्स केस में फाल्स कर देंगे, राइट। तो इफ जो चेक करते हैं वो यहाँ चेक करेंगे हम, ट्रू या फाल्स का जो भी कंडीशन होगा हम क्वेश्चन मार्क के पहले दे देंगे, लिखने के बाद दे देंगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क देने के बाद हम इफ वाला स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, राइट। और एल्स वाला स्टेटमेंट लिखने के लिए एक कॉलन का साइन देंगे, और फिर यहाँ पे हम एल्स वाला कंडीशन लिख देंगे। तो यही है इफ एल्स का दूसरा रूप कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू। तो कंडीशनल ऑपरेटर समझ में आया या कुछ इसमें समस्या होगा, क्या कहते हैं आप, सही है? तो मैंने एक ठो तो कर ही दिया टर्नरी ऑपरेटर, आप चाहें तो मैंने तो दोनों टेक्निक बता ही दिया, दोनों में से आप कोई तरीका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, टोटल आपके ऊपर निर्भर करता है। तो क्या कहते हैं आप, एंड किया जाए आज?